हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज वही प्रीवियस पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। दैट इज द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो हमारे पास प्रीवियस पेपर एनालिसिस हम करते थे, डिटेल सॉल्यूशन करेंगे सो दैट आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो सके और आपको जो है अपकमिंग एग्जाम जो भी आने वाले उन सब में हेल्प मिल सके। एक कई बार जो मैंने नोट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि If you are not able to share this video और इस पे views अगर हमारे पास ज़्यादा नहीं आते तो इस सीरीज को हम वापस डिसकंटिन्यू करेंगे, तो so that हम जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं हमारी ऐप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब सीरीज ये कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। ये बार बार नहीं कहना पड़े, ये सेल्फ इम्प्लिसिट होना चाहिए, आपको समझना चाहिए इस बारे में। सो दैट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 109 तक से और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109 क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लीड और लैग कंपनसेटर। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द कंट्रोल सिस्टम। लीड और लैग कंपनसेटर में हमारे पास क्या होता है? लीड और लैग कंपनसेटर में लैग कंपनसेटर इंप्रूव्स द स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। लीड कंपनसेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन द फेज एंगल ऑफ अनकंपनसेटेड सिस्टम डिक्रीजेस नियरली द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। चूज द लीड कंपनसेटर व्हेन ए रिड्यूस्ड नॉइज लेवल इज रिक्वायर्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज ओपन लूप गेन एंड लीड कंपनसेटर इंप्रूव्स द स्टेडी स्टेट एरर एंड फेज मार्जिन। विच विल बी द राइट आंसर, यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा है, विच विल बी द राइट या करेक्ट रिगार्डिंग द लीड और लैग कंपनसेशन। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें जो है वो करेक्ट बताना है यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या रहता है, लैग कंपनसेटर इंप्रूव द लीड और लैग का कंपैरिजन करें। लीड और लैग, लीड कंपनसेटर हमारे पास पीडी कंट्रोलर की तरह ट्रीट करता है, मतलब प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, और इसमें पोल जीरो डायग्राम हम बनाते हैं तो ओरिजिन के नज़दीक जीरो रहता है और ओरिजिन से दूर पोल रहता है हमारे पास, ठीक है, ये रहता है। और इसका काम क्या है, फेज को पॉजिटिव बनाना। लीड कंपनसेटर का काम है फेज को पॉजिटिव बनाना और फेज मार्जिन गेन मार्जिन इसको जो है इम्प्रूव करना रहता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक और काम रहता है, बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ बैंडविड्थ की इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ती है और राइज टाइम पीक टाइम सेटलिंग टाइम इनको कम करता है और ट्रांजिएंट, इनको कम करने का मतलब ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है लीड कंपनसेटर या पीडी कंट्रोलर। और लैग कंपनसेटर की बात करें तो ये ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, तो इसका उल्टा हमारे पास लैग कंपनसेटर में देखने को मिलता है। लैग कंपनसेटर दैट इज रिलेटेड टू द पीआई कंट्रोलर, इसमें पोल जीरो डायग्राम में पोल नियर टू ओरिजिन और बाद में जीरो देखने को मिलता है। फाई इसका जो रहता है फेज नेगेटिव रहता है और रिलेटिव स्टेबिलिटी को ये कम करता है, बैंडविड्थ को घटाता है, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को ये पुअर करता है, ठीक है, पुअर करता है लेकिन ज़्यादा पुअर नहीं, थोड़ा सा इफेक्ट होता है, बहुत बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये इसका जो मेन टारगेट है वो स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का रहता है। सो करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑपरेशन कि यहाँ पर लैग ऑप्शन लैग कंपनसेटर जो इम्प्रूव करता है स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम को, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आप जो है बी सी डी के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि लीड कंपनसेटर बिकम्स इफेक्टिव व्हेन द फेज एंगल ऑफ द अनकंपनसेटेड सिस्टम डिक्रीजेस रैपिडली नियर द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास जो है लगभग करेक्ट है लेकिन हमें मोर करेक्ट बताना है, उसमें हमारे पास ए ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है बी ऑप्शन का, इसका मतलब यही है जैसे लीड कंपनसेटर में क्या होता है, पहले आपके पास जीरो आता है, तो जब भी अगर हम प्लॉट बनाते हैं तो इस तरह से बनता है। इसका अगर रेस्पॉन्स देखोगे तो लीड कंपनसेटर का इस तरह से बोर्ड प्लॉट बनता है और ये जो है आपके पास इस तरह से प्लस 20 डीबी पर डिकेड का स्लोप आता है। यहाँ पर आपके पास जो है गेन इस तरह से और किसकी वजह से पोल, और पहले जीरो आने की वजह से राइज हो जाता है, फिर पोल आता है तो प्लस 20 से वापस जीरो डीबी पर डिकेड आता है। उसी तरह फेज रेस्पॉन्स देखें विद रेस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी तो इस तरह से आता है। यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी अवेलेबल होगी दैट इज द गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी में हमें गेन जो है यहाँ पर जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि केवल जो है गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे ही ये इफेक्टिव होगा, इसका मतलब ये नहीं है, ये जो है नियर बाई फ्रिक्वेंसी उसके भी उस टाइम पे भी ये इफेक्टिव रहता है, ठीक है।
चूज द लीड कंपनसेटर व्हेन द रिड्यूस नॉइज लेवल इज रिक्वायर्ड। देखो नॉइज लेवल का क्या कंसेप्ट है ये समझते हैं। लीड कंपनसेटर डेरिवेटिव कंट्रोलर की तरह होता है। जैसे मान लीजिए कोई नॉइज सिग्नल आया आपके पास SN इक्वल टू 0.05 sin 10^60 ये आया। नॉइज सिग्नल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका फ्रीक्वेंसी सिग्नल बहुत हाई होता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई होती है और मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। अगर हम जो है इस सिग्नल को डेरिवेटिव कंट्रोलर मतलब PD कंट्रोलर से पास करें तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा। अगर आप इसको डेरिवेटिव लोगे इसका, डेरिवेटिव लेने पर आपके पास जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी अगर मल्टीप्लाई में आ जाएगी 10^6 × 0.05 ये आ जाएगा 5 × 10^4 मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर इस तरह से इसका डेरिवेटिव लेते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ नॉइज सिग्नल इज इंक्रीज्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉइज सिग्नल इज इंक्रीज्ड। मतलब ये उल्टा बोल रहा है कि नॉइज सिग्नल का मैग्नीट्यूड आपको डिक्रीज करना है तो लीड कंपनसेटर नहीं लैग कंपनसेटर लेंगे, क्योंकि उसमें PI कंट्रोलर की तरह होता है और उसमें इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन में मैग्नीट्यूड ये जो है फ्रीक्वेंसी डिवाइड में आएगी, मैग्नीट्यूड और ज्यादा घट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया है, ये भी रॉन्ग हो गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज ओपन लूप गेन एंड लीड कंपनसेटर स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव नहीं करता है हमारे पास, मतलब स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी रॉन्ग हो गया, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। फेज मार्जिन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग एट द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सिस्टम टू द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, कोई भी हमारे पास सिस्टम स्टेबल है, अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी के टर्म में बोले कि फेज मार्जिन और गेन मार्जिन नेगेटिव हो जाए तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, फेज मार्जिन 0° आ जाए या गेन मार्जिन जो है 0° आ जाए तो हमारे पास सिस्टम मार्जिनल स्टेबल रहता है। और स्टेबिलिटी के लिए इन दोनों की वैल्यू को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। फेज मार्जिन भी ग्रेटर देन 0 हो जाए और 0° हो जाए और ये भी गेन मार्जिन भी 0° से ज्यादा हो जाए। मान लीजिए स्टेबिलिटी के आपने लिए इनको बढ़ा के लीड कंपनसेटर लगा के आपने क्या किया, इसका गेन फेज मार्जिन जो है वो 30° कर दिया। ठीक है, अब 30° कर दिया, अब गेन मार्जिन भी आपने जो है बढ़ा के वो 0° से ज्यादा है, गेन मार्जिन भी बढ़ा के आपने 10° कर दिया। ठीक है, लीड कंपनसेटर लगा के, लीड कंपनसेटर जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, तो हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेज मार्जिन और गेन मार्जिन, इसका मतलब क्या होता है कि मार्जिन का मतलब ये होता है कि हम जो है एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर लेके चल रहे हैं कि अगर फेज डिक्रीज भी हुआ तो कितना डिग्री डिक्रीज हो या गेन डिक्रीज भी हुआ तो कितना डीबी डिक्रीज हो कि वो मार्जिनल स्टेबल के स्टेट में चला जाए, अनस्टेबल में नहीं चला जाए। तो ये एक मार्जिन लेके चलते हैं कि मार्जिनल स्टेबल से इसका मार्जिन कितना है, मतलब 30° का मार्जिन है। तो इन द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मार्जिनल स्टेबल नहीं हो जाए तो इसका मतलब ये कि एडिशनल फेज लैग, मतलब एडिशनल फेज लैग का मतलब उल्टा जाओ, पहले हमने फेज लीड प्रोवाइड किया, एडिशनल फेज लैग मतलब -30° प्रोवाइड करोगे तो 0° तक आप जाओगे, मतलब इन द वर्ड्स ऑफ इनस्टेबिलिटी मार्जिनल स्टेबल बन जाओगे, ये स्टेटमेंट करेक्ट। फेज मार्जिन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर स्टेबल फीडबैक सिस्टम, बिल्कुल सही है, नेगेटिव नहीं होता आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर, नेगेटिव नहीं होता, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है मिनिमम और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है। नॉन मिनिमम फेज सिस्टम हैव पोल्स और जीरोस इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन ऑफ देयर ट्रांसफर फंक्शन। नॉन मिनिमम और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, मिनिमम फेज सिस्टम हैव नो पोल्स और जीरोस इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन ऑफ देयर ट्रांसफर फंक्शन। दो स्टेटमेंट तो हम पहले समझ ही लेते हैं। मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है, अगर ये जो इमेजिनरी एक्सेस है इस इमेजिनरी एक्सेस पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो जितने भी पोल और जीरो है उनका एंगल जो बनेगा वो 90° से कम बनेगा, और कभी भी एंगल 90° से कम बने उसको बोलते हैं मिनिमम फेज सिस्टम। और अगर मान लीजिए ये पोल है या कोई जीरो है इधर राइट साइड में आ गया तो उसका जो एंगल रियल एक्सेस के साथ बनेगा, ये दो पोल का तो एंगल जो है लेस देन 90° बन गया, लेकिन एक जीरो का जो आपके पास एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90° मिल रहा है, मतलब पोल या जीरो में से कोई भी राइट हाफ में चला गया,
पहली बात तो पोल चला जाएगा तो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। मान लीजिए स्टेबल सिस्टम है, जीरो चला गया राइट हाफ में, तो फेज जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, उसको बोलते हैं नॉन मिनिमम फेज, है ना, और इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम फेज, मिनिमम फेज सिस्टम इसको हम बोलेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई पोल और जीरो राइट हाफ में नहीं होता है मिनिमम फेज सिस्टम में। ठीक है, और यहाँ पे नॉन मिनिमम में एक पोल या जीरो राइट हाफ में जा सकता है, एक या एक से अधिक। द मॉडुलस ऑफ द फेज रेस्पॉन्स ऑफ ए नॉन मिनिमम फेज सिस्टम इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ मिनिमम फेज सिस्टम बिहेवियर। सीधी सी बात है, ये जो है नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का जो एंगल आता है वो ज्यादा आता है कंपेयर टू मिनिमम फेज सिस्टम से। यही हमने समझाया, इसमें ग्रेटर देन 90 आता है, इसमें लेस देन 90 देखने को मिलता है आपको। सो आपके पास यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। कंसिडर ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय, एक सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसमें स्टेट इक्वेशन दी हुई, आपको बताना है सिस्टम कंट्रोलेबल ओनली, ऑब्जर्वेबल ओनली, कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल है, नाइदर कंट्रोलेबल नॉर ऑब्जर्वेबल, इसमें से क्या होगा। तो हमें कुल मिला के बाद सीधी सी बात, कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट करना है। कंट्रोलेबिलिटी के टेस्ट हम पहले कर लेते हैं। कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट के लिए हम जो है क्यू मैट्रिक्स पता करते हैं, कलवंस टेस्ट पता करते हैं, बी ए बी ए स्क्वायर बी एंड सो ऑन चलते जाते हैं जब तक कि हमारे पास ए मैट्रिक्स का एन माइनस वन बी नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ये हमारे पास है, ये बी मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0, 1, और एन हमारे पास कितना है, 2x2 है, तो आप मैक्सिमम कहाँ तक जाओगे, बी ए बी तक। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा क्यू। अब ए बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 1, 1 को 0, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1, फिर -2 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी क्यूब मैट्रिक्स आई इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, 0, -1, 0, -1, दैट इज -1, और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है दैट मीन्स सिस्टम इज कंट्रोलेबल। ये बात तो पक्की होगी कि सिस्टम कंट्रोलेबल होगा। ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी में क्या करते हैं, इसी क्यू मैट्रिक्स को हम जो है दूसरे तरीके से पता करते हैं, जिसमें आप ऐसा लिख सकते हैं सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज एंड सो ऑन, ए ट्रांसपोज रेज टू एन माइनस वन सी ट्रांसपोज, इस तरह से। एन इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स है इसलिए एन इक्वल टू आपके पास 2 रहेगा, तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा, 1 रहेगा। अब हम यहाँ पर देखें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी सी ए एंड सो ऑन सी ए स्क्वायर, इस तरह से नीचे भी आता है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वर्टिकल फॉर्म में ऐसा लिखोगे तो वैसा आ जाएगा। सी क्या है हमारे पास, 1, 0, सी ए क्या है, सी को ए से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 1 और इधर 1, और फिर आप जो है इस क्यू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट आएगा 1 - 0 दैट इज 1, और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल। तो इसका मतलब सिस्टम जो है कंट्रोलेबल भी है और ऑब्जर्वेबल भी है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, व्हाट इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम x1 dot और x2 dot, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, x dot इक्वल टू क्या होता है, x dot t इक्वल टू axt, आपको बताना है कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इसमें से होगी कौन सी। स्टेट ट्रांजिशन जो मैट्रिक्स होती है फाइ टी जो रहता है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/si - a रहता है। अगर आप टाइम डोमेन में देखना चाहोगे तो टाइम डोमेन में 1/s - a का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1/s - a का अगर आप लाप्लास लेते हो, लाप्लास इनवर्स तो ये आता है e raised to at, यही हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है। इसकी क्या खासियत होती है कि टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू जो रहती है फाइ टी इक्वल टू 1 रहता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कंसीडर करोगे तो इसका जो डायगोनल कंपोनेंट आएगा वो 1 आएगा और नॉन डायगोनल कंपोनेंट 0 आएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की या फिर आपके पास जो है ये हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1, 0, 0 बन आ जाएगी, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए और नॉन डायगोनल 0 हो जाए। हम सिंपली क्या करते हैं, टी इक्वल टू 0 पुट करके रखते हैं, टी इक्वल टू 0 पुट करोगे 1 - 1 0, 1 - 1 0, -2 + 2 0,
माइनस वन प्लस टू वन, जीरो 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 वन, ऐसा नहीं आया, इससे मैच नहीं कर रही, ये ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन देखते हैं। टू माइनस वन, या तो ई की पावर जो भी है उसको वन मान लो और कोफिशेंट को मल्टीप्लाई ये इस तरह से एडिशन करते जाओ जो दिया हुआ है। टू माइनस वन वन, वन माइनस वन जीरो, माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस वन प्लस टू दैट इज द वन। तो ये बी ऑप्शन जो है इस मैट्रिक्स से मैच कर रहा है, सो बी विल बी द राइट आंसर, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। इन द सिस्टम शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एम बी के मास डैम्पर एलिमेंट, बी की वैल्यू जो है और के स्प्रिंग एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू, के की वैल्यू दी। मास इज डिस्प्लेस्ड 5 मीटर एंड रिलीज्ड विदाउट इनिशियल वैलिडिटी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वड इन द वाइब्रेशन इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहले तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब ओमेगा एन पता करना है ना, ओमेगा एन या फिर ओमेगा डी, देखते हैं क्या पता करते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो सबसे पहले तो इसका ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो 100% फोर्स जो है इस डायरेक्शन में ही लगाया होगा। अब हमारे पास जो है फोर्स की जो इक्वेशन आएगी, ये तो अप्लाइड फोर्स है और इन सभी पे जो फोर्स लगेगा हमारे पास, मास पे जो लगेगा एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डैम्पर पे लगेगा बी डी एक्स बाई डी टी, और स्प्रिंग पे जो लगेगा के एक्स। अब अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें, एफ एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर एम प्लस एस बी प्लस के और ब्रेकेट में आ जाएगा एक्स एस, एफ एस अपॉन एक्स एस। ये तो इनपुट है, आउटपुट आपके पास फोर्स इनपुट है, आउटपुट है डिस्प्लेसमेंट। अगर आउटपुट अपॉन इनपुट करोगे उल्टा, एक्स एस अपॉन एफ एस, ये आ जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर एम प्लस एस बी प्लस के, और एम से अगर हम डिवाइड करें वन अपॉन एम एस स्क्वायर प्लस बी बाई एम प्लस के बाई एम। और अब हमें जो है इसको कंपेयर करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस टू डेल ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा के बाई एम, ओमेगा एन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम। के हमें कितना दिया हुआ है 100 और एम दिया हुआ है 1, अंडर रूट 100 बाई 1 दैट इज अंडर रूट 100 10 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ओमेगा एन तो पक्का नहीं पता करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इन द वाइब्रेशन, वैसे भी 10 रेडियन पर सेकंड का तो कोई ऑप्शन नहीं है। टू डेल ओमेगा एन अगर हम कंपेरिजन करें तो बी बाई एम के इक्वल आएगा, और डेल की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो बी बाई एम इंटू 1/2 ओमेगा एन, यहाँ पर रख देते हैं, सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू क्या है 2 है और एम की वैल्यू 1 है, 2/1 इंटू 1/2 ओमेगा एन कितना है 10, तो ये आ जाएगा 0.1, ये आ गया 0.1। अब हमें जो कैलकुलेट करना है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस डैम स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं 10 इंटू अंडर रूट 0.1 माइनस 0.01, इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। इंटू 10 9.94, देखते हैं क्या है हमारे पास, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लेते हैं। नाइन पॉइंट नाइन फाइव है ना, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द फिगर, ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आपको दिया हुआ है इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर यूनिट रैंप इनपुट so that system will have damping ratio of 0.5। k की वैल्यू बतानी है, यूनिट रैंप इनपुट, अब यूनिट रैंप इनपुट दो या कुछ भी दो, पहले तो आपको जो है डैम्पिंग रेशियो 0.5 दिया हुआ है, तो ट्रांसफर फंक्शन ही पता करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन सो सी एस अपॉन आर एस होता है, उससे इनपुट से मतलब होता ही नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये है k अपॉन एस, एस प्लस जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस, एच एस कर दो जी एस हो जाएगा k अपॉन एस एस प्लस 5 और एच एस है 0.2। इसको सॉल्व करोगे तो k एस, एक मिनट, ये जो आ जाएगा हमारे पास के अपॉन एस एस प्लस 5.2 के ऐसा है, तो हमारे पास के अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 एस प्लस 0.2 के। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे
एस स्क्वायर प्लस टू डेल ओमेगा एन एस, आप जीटा भी लिख सकते हैं, मैं डेल लिख रहा हूँ, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इससे कंपेयर करेंगे तो हमें के की वैल्यू तो आएगी, है ना, इसको इससे कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन पहले हम ये कंपेरिजन कर लेते हैं, फाइव इक्वल टू टू डेल ओमेगा एन, डेल कितना है 0.5 और ओमेगा एन हमारे पास जो रहेगा 5 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ रखते हैं 5 का स्क्वायर मतलब 25, 0.25 के जो रहेगा वो 25 के इक्वल रहेगा, के इक्वल टू 25 अपॉन 0.2, दैट इज 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 वैल्यू आ जाएगी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग नेटवर्क इफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जीएस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, जीएस और आपको बताना है कि T1 ग्रेटर देन T2 हो तो लीड नेटवर्क बनेगा, T1 लेस देन T2 हो तो लैग नेटवर्क बनेगा, T1 ग्रेटर देन T2 तो लैग या उल्टा फिर लीड नेटवर्क बनेगा। आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है कि कौन सा क्या बनने वाला है, लीड और लैग नेटवर्क। देखो ये तो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, वी कैन ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ या फिर वी कैन गेट द नेटवर्क टाइप बाई पोल जीरो डायग्राम, सिंपली ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। अगर हम देखें लीड नेटवर्क की बात करते हैं तो लीड नेटवर्क में आपके पास ओरिजिन के नजदीक जीरो रहता है और पोल इधर रहता है आपके पास, है ना, माइनस दैट माइनस, ये लीड नेटवर्क की बात है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर आपके पास जैसे ये देख लेते हैं T1 ग्रेटर देन T2 ले लेते हैं, T1 ग्रेटर देन T2 है, इसका सिंपल सा मतलब है 1 अपॉन T1 लेस देन 1 अपॉन T2, यही बात हुई, उल्टा हो जाएगा, T1 ग्रेटर देन T2 है तो 1 अपॉन T1 लेस देन 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 लेस देन है मतलब ये 1 अपॉन T1 है, ये 1 अपॉन T1 का मैग्नीट्यूड किससे कम है, 1 अपॉन T2 से कम। अगर ऐसा हो जाए तो 1 अपॉन T1 हमें क्या शो कर रहा है, S इक्वल टू माइनस 1 अपॉन T1, ये जीरो की लोकेशन शो कर रहा है, बिल्कुल एक्जैक्टली मैच कर रहा है, और ये हमें जो है S इक्वल टू माइनस 1 अपॉन T2 ये पोल की लोकेशन को शो कर रहा है, तो माइनस 1 अपॉन T2 ये पोल की लोकेशन को शो कर रहा है, अल्टीमेटली ये लीड नेटवर्क ही है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया। दूसरा देखते हैं T1 लेस देन T2, उल्टा कर दे, T1 लेस देन T2 करें तो हमारे पास 1 अपॉन T1 ग्रेटर देन हो जाएगा 1 अपॉन T2, और 1 अपॉन T1 ग्रेटर देन हो जाएगा 1 अपॉन T2, तो जीरो इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा और पोल उधर चला जाएगा, और अगर ऐसा हो जाए तो ये कैसा नेटवर्क बन जाएगा, लैग नेटवर्क, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास करेक्ट है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट में इन दोनों के उल्टे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जरा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 170, कंसिडर द सिस्टम शोन इन द फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सच दैट, ये जो ए हमारे पास कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू बतानी है, such that damping ratio of dominant close poles is 0.5. dominant close poles का concept आया, इसका मतलब ये कुछ question भारी है और conceptual question है काफी। ठीक है, इस equation को देखते हैं कैसे solve करते हैं, देखिए इस question को solve करते हैं, क्या दिया हुआ है, value of a, damping ratio मतलब closed loop transfer function निकालना पड़ेगा, closed loop transfer function omega n square upon s square plus 2 del omega n plus omega, निकालते हैं इसका, जीएस तो हमारे पास हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे जी1 जी2 और एचएस तो आपके पास 1 आएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस 10s प्लस ए और ये हो जाएगा s प्लस 8 s मल्टीप्लाई में s प्लस 1 प्लस जो नोमरेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, आपके पास HS से, HS इक्वल टू 1, GS GS अपॉन 1 प्लस GS HS, या तो हमें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मतलब है, बाकी से मतलब है नहीं, इसको देखते हैं, S स्क्वायर प्लस 8S मल्टीप्लाई में S प्लस 1 प्लस 10S प्लस 10, इसको ओपन करते हैं, S क्यूब प्लस S स्क्वायर प्लस 8S स्क्वायर प्लस 8S प्लस 10s प्लस 10 s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 18s प्लस 10s 10a, तो ये तो भारी गड़बड़ बात होगी, हम तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को ढूंढ लेते थे, कंपेयर कैसे करोगे s स्क्वायर प्लस 2 डेल ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर से,
ये तो थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते, फिर क्या करें हम इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करें। चलो देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा लेकिन करके छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जरा प्लीज, अगर हमें डेल इक्वल टू या डैम्पिंग रेशियो 0.5 दिया हुआ है और हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस टू डेल ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, अगर इसको आपको थर्ड ऑर्डर का बनाना है तो एक पोल आपको एस प्लस एल्फा मान लो, इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एस इक्वल टू माइनस एल्फा थर्ड ऑर्डर की बजाय। अब हम डेल इक्वल टू 0.5 रख देते हैं और कुछ नहीं करते, डेल इक्वल टू 0.5 रखेंगे तो 2 इंटू डेल 1 हो जाएगा, बस सॉल्व करते जाइए, एस प्लस एल्फा एस स्क्वायर ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, एस को मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले एस क्यू प्लस ओमेगा एन एस स्क्वायर प्लस एस ओमेगा एन स्क्वायर, एल्फा एस स्क्वायर प्लस एल्फा ओमेगा एन एस एल्फा ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करते हैं, एस क्यूब की टर्म अलग कर देते हैं, एस स्क्वायर की टर्म अलग कर देते हैं, ओमेगा एन प्लस एल्फा एस स्क्वायर की टर्म होगी, एस की टर्म हम अलग कर देते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एल्फा ओमेगा एन, यहाँ पे एस की टर्म अलग कर देते हैं और ये एल्फा ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम कंपेरिजन करें एस क्यूब प्लस ओमेगा एन प्लस एल्फा, ये सेकेंड टर्म है एस स्क्वायर, तो ओमेगा एन प्लस एल्फा किससे किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। और देखते हैं यहां से ओमेगा एन कॉमन ले ले, ओमेगा एन कॉमन लोगे तो ओमेगा एन प्लस एल्फा, ये ओमेगा एन कॉमन लोगे तो ओमेगा एन प्लस एल्फा इक्वल टू थर्ड टर्म के इक्वल आएगा 18 के इक्वल आएगा, ये 18 आ गया, मतलब ओमेगा एन प्लस एल्फा की वैल्यू हमारे पास पहले से थी 9। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ओमेगा एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा एन 2 रेडियन पर सेकेंड आएगा। आपको तो ए की वैल्यू चाहिए ना, ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, अभी तो कंपैरिजन करना आ गया आपको, अल्फा ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 10 है, इससे कंपैरिजन करोगे अल्फा ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 10 है, अल्फा की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, अभी देखनी पड़ेगी अल्फा की वैल्यू, और ओमेगा एन की वैल्यू जरूर मालूम है 10 ए, तो ओमेगा एन अल्फा इंटू 4 इक्वल टू 10 ए, और ए आपको चाहिए तो 4 अल्फा अपॉन 10 ये आ जाएगा। ए की वैल्यू तभी मिल सकती है जब अल्फा की वैल्यू मिल जाए, है ना, जब आपको किसकी वैल्यू मिल जाए, अल्फा की वैल्यू। अब कैसे करें आगे, एक कंपेरिजन और है हमारे पास, ये तो हो ही गया, तो यहां से हमें कुछ देखना पड़ेगा, यहां से हम सॉल्व कर सकते। अगर हम इस इक्वेशन में ओमेगा एन की वैल्यू रख दें, कितना 2 प्लस एल्फा इक्वल टू 9, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 7, यहाँ रख देते हैं 4 इंटू 7 अपॉन 10, 28 बाई 10 दैट इज द 2.8, क्या करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास, 2.8 विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा प्लीज, ऐसे क्वेश्चन टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन होते, हालांकि अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन को तब करो जब थर्ड राउंड में हो, ऐसे क्वेश्चन को, जब लेंथी क्वेश्चन है तो उसको बाद में करो, वैसे क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि कैलकुलेशन लंबी होगी। कंसीडर द क्लोज लूप सिस्टम शोन इन द फिगर, व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ की फॉर स्टेबिलिटी बाय द यूज ऑफ नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। क्रिटिकल स्टेबिलिटी मतलब मार्जिनल स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल का मतलब ये जो आपके पास इंटरसेक्शन हो रहा है नेगेटिव रियल एक्सिस पे, ये स्टेबिलिटी पॉइंट -1+j0 पे ही हो। अगर आपके पास सिस्टम जो है इंटरसेक्ट कर रहा है -1 पॉइंट से अंदर अंदर, स्टेबिलिटी पॉइंट से अंदर अंदर, तो सिस्टम स्टेबल है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इससे बार बार तो सिस्टम अनस्टेबल है, और इसी पॉइंट पर स्टेबल कर रहा है दैट मीन्स क्रिटिकल स्टेबल या फिर मार्जिनल स्टेबल। मतलब अगर यहाँ पे अगर -1 अवेलेबल है तो ये -k/2 क्या होगा, इसका आधा मतलब हाफ हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास -1 वैल्यू है तो ये यहाँ से आधी दूरी पे आओगे तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी, मतलब -k/2 1/2 के इक्वल होगा, है ना, और इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास -k/2, वैसे हम मैग्नीट्यूड कंपैरिजन कर रहे हैं तो माइनस साइन मत कंसीडर करिए, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा,
सो के इक्वल टू वन की वैल्यू पे ये सिस्टम क्या होगा, क्रिटिकल स्टेबल या फिर मार्जिनल स्टेबल होगा। के लेस देन वन रहेगा तो ये इंटरसेक्शन जो इधर की साइड होगा मतलब सिस्टम स्टेबल रहेगा, और इंटरसेक्शन अगर माइनस वन पॉइंट के बाहर होता है, के ग्रेटर देन वन रहेगा, माइनस वन पॉइंट से बाहर होगा मतलब सिस्टम अनस्टेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा प्लीज। इन द फीडबैक सिस्टम, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम शोन इन द फिगर, ये आपको जो है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। डीएस आपके पास स्टेप डिस्टरबेंस है, आरएस आपके पास इनपुट है, और आगे हमारे पास जो है सीएस कंट्रोल आउटपुट है। आपको ये देखना है कि स्टेडी स्टेट एरर बतानी है कंपोनेंट ड्यू टू द स्टेप डिस्टरबेंस फॉर द सिस्टम इज। स्टेप डिस्टरबेंस मतलब डीएस को कंसिडर करना, आरएस को जीरो करना, जब दूसरा इनपुट नहीं मान रहे दो इनपुट के लिए, तो यहां पर जो आएगा सीएस आ जाएगा, सी एस माइनस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ई एस बन जाएगा। तो सी एस और ई एस के बीच में जो रिलेशन है वो एक दूसरे का नेगेटिव, सी एस इक्वल टू माइनस ई एस या ई एस इक्वल टू माइनस ई एस। अब यही ई एस टेन से मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा टेन ई एस, और प्लस किसके साथ जुड़ेगा, डी एस से जुड़ेगा, और टेन ई एस प्लस डी एस से जुड़ेगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स सी एस बन जाएगा। एक्स की वैल्यू बाद में रख लेंगे, अभी तो थोड़ा जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेते हैं। क्या है हमारे पास यहाँ पर, इसको कैसे सॉल्व करें, तो हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, स्टडी स्टेट एरर। और स्टडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ई एस एस इक्वल टू, जब हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं लगना है तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, तब हम जो एग्जैक्ट हमारे पास जो यूनिवर्सल नियम होता है उससे हम करते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ई एस, मतलब ई एस की इक्वेशन, एरर ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन चाहिए। ई एस की इक्वेशन कैसे लाया जाए, डिस्टर्बेंस है स्टेप डिस्टर्बेंस मतलब डी एस की वैल्यू जो है आपके पास वन अपॉन एस, देखते हैं कैसे ले आते हैं। सी एस इक्वल टू माइनस ई एस तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो ये आपके पास इधर जाएगा टेन ई एस प्लस ई एस, और डी एस उधर जाएगा तो माइनस का डी एस, ई एस और एक्स एस, एक्स एस के साथ में था तो एक्स ई एस हो जाएगा, है ना। इधर देखते हैं कैसे हो जाएगा, ये वापस देखते हैं, माइनस एक्स ई एस हो जाएगा तो टेन प्लस एक्स ई एस, और इधर आएगा माइनस डी एस, ठीक है। अब ई एस की इक्वेशन चाहिए आपको, ई एस की इक्वेशन हो जाएगी माइनस डी एस अपॉन एक्स प्लस टेन, और एक्स की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एस एस प्लस फोर्टी, वन अपॉन एस एस प्लस फोर्टी, प्लस टेन, ठीक है। और यहाँ पे डी एस है न्यूमरेटर में, इसको सॉल्व करते तो ये आ जाएगा एस एस प्लस फोर्टी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई इंटू डी एस अपॉन एस स्क्वायर अपॉन वन प्लस, ये माइनस का साइन है आगे, वन प्लस टेन एस एस प्लस फोर्टी, ठीक है। अब हम इसको आगे देखें तो हमारे पास ये रहेगा माइनस एस एस प्लस फोर इंटू डी एस अपॉन वन प्लस टेन एस स्क्वायर प्लस फोर, और वन इसके साथ जुड़ जाएगा तो आ जाएगा फोर जीरो, बस ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया। अब डी एस क्या आपके पास वन अपॉन एस है, एस से एस कैंसिल आउट, और फिर क्या करना है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस से एस, एस ये मल्टीप्लाई में था, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास यहाँ पर लिमिट एस टेंस टू जीरो आपको रखना है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा एस इक्वल टू जीरो रख दिया तो यहाँ पे फोर अपॉन फोर हंड्रेड जीरो वन ये बचेगा, तो माइनस का आपके पास अप्रोक्सीमेटली पॉइंट फोर्टी है ना, ये फोर्टी है सॉरी, ये फोर्टी, फोर्टी अपॉन फोर जीरो वन पॉइंट वन अप्रोक्सीमेटली आएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्टडी स्टेट एरर ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। स्टडी स्टेट एरर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सिस्टम्स क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, अभी हमने किया ही है ऑब्वियसली, आप एरर फंक्शन निकाल दो, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ई एस कर दो, स्टडी स्टेट एरर कर सकते हैं। स्टडी स्टेट एरर कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, बिल्कुल कर सकते हैं।
जैसे आपके पास स्टेडी स्टेट एरर के पोजीशन एरर कांस्टेंट वन अपॉन के पी से निकालते हो, तो आप के पी की वैल्यू कैसे निकालते हो, लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस एच एस, उसी तरह के वी के ए निकालते हैं, तो हम उसमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का यूज करते हैं, ये भी करेक्ट है। स्टेडी स्टेट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यहाँ जो भी आपके पास इनपुट और आउटपुट आ रहा है, आर एस अगर अवेलेबल होता है आउटपुट सी एस होता, तो स्टेडी स्टेट एरर इन दोनों का डिफरेंस होती है आर एस माइनस सी एस, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, मैनी स्टेडी स्टेट एरर इन कंट्रोल सिस्टम कैन अराइज फ्रॉम नॉन लीनियर सोर्सेज, बिल्कुल सही बात है, नॉन लीनियर सोर्सेज की वजह से फाइनल वैल्यू जो है वो हमें नहीं मिल पाती है। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेंगे, ए वन टू थ्री फोर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आगे जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे हमने पिछली बार किया था। हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आंसर किस तरह से देना है, अगर दोनों दो स्टेटमेंट देखेंगे अगले क्वेश्चन में, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से करेक्ट है, दोनों करेक्ट है फर्स्ट और सेकेंड, और फर्स्ट का सेकेंड के साथ रिलेशन है, तो हम पहला ऑप्शन सही मानेंगे। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो बी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। पहला ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, और पहला फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो डी ऑप्शन को ट्रू मानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है करेक्ट मानेंगे। कुल मिला के बात ये कि यहाँ पर आगे आने वाले कुछ स्टेटमेंट को क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मेटेरियल साइंस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्विकली इन नॉर्मल एटमोस्फेयर कंडीशन, बिल्कुल, और इसके कारण जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो जाता है और Al2O3 की जो है थिन फिल्म बन जाती है। ठीक है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोटिंग एंड रैपिडली विद विच ए फ्रीली एक्सपोज्ड एल्यूमिनियम सरफेस बिकम ऑक्साइडाइड एंड मेक सोल्डरिंग डिफिकल्ट थ्रू द कन्वेक्शन, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमारे पास जो है सोल्डरिंग जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। तो स्टेटमेंट वन एंड टू हमारे पास दोनों करेक्ट है। अब क्या इन दोनों का आपस में रिलेशन है, तो देखो एक बात कर रहा है हमारे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट की, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि एक बात कर रहा है हमारे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट की और एक हमारे पास बात कर रहा है ऑक्सीडेशन की। ठीक है, तो हमारे पास जो है अल्टीमेटली ये दोनों करेक्ट है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द सिग्नल ऑफ द फॉर्म ऑफ करंट द सीरीज इनपुट डिवाइसेस आर यूज, कोई भी सिग्नल करंट की टर्म में है तो सीरीज इनपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं। ठीक है, एन अमीटर इज ए सीरीज डिवाइस, यहाँ पर अमीटर कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज टू डिजाइंड हैव ए लो इनपुट इम्पीडेंस, जिसका इनपुट इम्पीडेंस लो होना चाहिए, सो दैट करंट इज करेक्टली मेजर्ड, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पास एक दूसरे को शो करते हैं, सीरीज इनपुट डिवाइस है, अंदर दूसरी ऑप्शन में भी सीरीज इनपुट डिवाइस है, उसी को रिप्रेजेंट किया गया। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों करेक्ट है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा प्लीज। इफ द गेन मार्जिन इज नेगेटिव एंड गेन मार्जिन नेगेटिव, दिस गिव्स अ डेसिबल राइज इन ओपन लूप गेन व्हिच इज थ्योरेटिकली परमिसिबल विदाउट ऑसिलेशन, देखो इसका मतलब क्या है, गेन मार्जिन नेगेटिव होने का मतलब सिंपल सी बात है कि हमें जो गेन बढ़ाना था वो अब हम नहीं बढ़ा सकते, ये पहले से किसमें चला गया, अनस्टेबल, गेन मार्जिन 40 dB होता तो हमारे पास ऑप्शन बचता कि अभी आप जो है गेन घटा सकते हो 40 dB और घटा सकते हो जब तक कि 0 dB नहीं होता है, 0 dB तक आएगा तो क्रिटिकल स्टेबल या मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा और घटाओगे तो ये अनस्टेबिलिटी में चला जाएगा। तो भाई साहब कुल मिला के बात ये है कि गेन मार्जिन नेगेटिव है तो हमारे पास गिव्स राइज द डेसिबल राइज इन द ओपन लूप गेन, तो हमारे पास ओपन लूप गेन को जो है हमारे पास जो ओपन लूप गेन को वापस बढ़ाना चाहिए लेकिन ये अनस्टेबल कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑसिलेशन, विदाउट ऑसिलेशन जो है आपको देखने को मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट वन करेक्ट होना भी चाहिए क्योंकि अगर आप जो है पहले तो गेन को घटा रहे थे स्टेबिलिटी से हमारे पास मार्जिनल स्टेबिलिटी, तो अब अगर गेन मार्जिन नेगेटिव है तो आपको गेन को क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा, राइज इन द ओपन लूप गेन, सो दैट ऑसिलेशन जो है वो डाइवर्ट होते हैं क्योंकि अनस्टेबल सिस्टम में ऑसिलेशन रहते हैं और धीरे धीरे जो आप 0 dB की तरफ जाओगे फिर स्टेबिलिटी की तरफ ऑसिलेशन नहीं मिले। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट। फोर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ओपन लूप गेन बीटा, एम्पलीफायर है ओपन लूप गेन बीटा, ए बीटा इक्वल टू 1 है और फेज शिफ्ट 180 डिग्री है, तो आपके पास क्लोज लूप एम्पलीफायर जो ऑसिलेट करेगा, बना तो एम्पलीफायर रहते लेकिन हम ऑसिलेशन चाहते,
ऑसिलेशन चाहते हैं तो हम वर्क अनसेल क्राइटेरिया जानते हैं, ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, 1 तो चल जाएगा, थोड़ा सा सस्टेन ऑसिलेशन के लिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और फेज शिफ्ट 360 डिग्री या 0 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री नहीं चलेगा। स्टेटमेंट सेकंड गलत है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट ऑनली करेक्ट है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। व्हेन नेगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड टू द आइडियल एम्पलीफायर द डिफरेंशियल इनपुट, एक आइडियल एम्पलीफायर, आइडियल एम्पलीफायर का मतलब सिंपल सी बात है, ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, ये सॉरी इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, आउटपुट जीरो है और ये आइडियल एम्पलीफायर बन गया, ठीक है। अगर इन्वर्टिंग नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं, नेगेटिव फीडबैक मतलब आउटपुट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो आपके पास डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड होता है, मतलब वीपी जितना वोल्टेज है वही हमारे पास वीएन आ जाएगा और डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज क्या रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस वीपी माइनस वीएन दैट इक्वल टू जीरो, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज वीपी और वीएन का डिफरेंस जो है वो जीरो रहेगा। देर इज नो करंट फ्लो इनटू द इनपुट टर्मिनल ऑफ आइडियल ऑप एम्प, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो है इसका इनपुट इम्पिडेंस जो आइडियली इनफाइनाइट होता है किसी भी ऑप एम्प का, सो दैट यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। हालांकि ये एक दूसरे स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं शो करते हैं ना नेगेटिव फीडबैक का, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द कैरियर इज जनरेटेड बाय ए क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड बाय द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल होता है उसी से इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है, हालांकि जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है उसमें एक सीरीज ब्रांच होती है आरएस एलएस सीएस और एक पैरेलल ब्रांच होती है जिसमें पैरेलल कैपेसिटेंस सीपी होता है, तो दो फ्रीक्वेंसी आती है, एक तो सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है और एक आपके पास पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। डायग्राम हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम है, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी और फिर जो है आपको पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हमारे पास कर्व, ठीक है। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एलसीआर सर्किट विद बोथ सीरीज एंड पैरेलल पॉइंट, ठीक है, तो एक तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है, एक इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात कर रहा है, कुल मिला के बात ये कि दोनों भाई साहब सही है लेकिन एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब ये कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का कोज या रीजन नहीं बता रहा है, ठीक है, बस बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, इट इज द लास्ट क्वेश्चन, ये कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। इन एफ डी एम फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसमीटर इफ द सिग्नल विच आर टू बी मल्टीप्लेक्स विल ईच मॉड्यूलेट ए सेपरेट कैरियर देन टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिंगल साइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन। इन एफ डी एम ट्रांसमीटर द मॉड्यूलर आउटपुट विल कंटेन साइड बैंड ऑफ द करस्पॉन्डिंग सिग्नल, तो दोनों स्टेटमेंट जो है एफ डी एम की बात कर रहे हैं यहाँ पर और दोनों में कॉमन स्टेटमेंट है और दोनों हमारे पास ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एफडीएम में हमारे पास ऐसे सिग्नल को जो है जिनको मल्टीप्लेक्स करना है वो हमारे पास सेपरेट कैरियर के साथ जो है मॉड्यूलेट किया जाता है, इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है, इसके क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया। और एफडीएम में साथ ही साथ जो है मॉड्यूलर आउटपुट जो है उसमें साइड बैंड्स देखने को मिलेंगे, तो एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर ए विल बी द राइट आंसर। So it is the end of today's session. We will meet on tomorrow or not. It depends कि आप कितना share करते हैं और साथ ही साथ अगर आप और ज़्यादा MCQ classes चाहते हैं तो app में जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो है various courses हैं MCQ classes, detailed classes, test series, individual courses. As you require, there will be available a content in very good quality और जो है बहुत honestly बहुत अच्छा content है, आप जा सकते हैं और अच्छे से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन भी होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।